सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद, फिर से इकट्ठा किया, संगति दी प्रभु। आपके वचन हम आज सुनना चाहते, पढ़ना चाहते, सच्चाई जानना चाहते। हम जो कुछ मानते सारी बातें छोड़ देना चाहते, आप जो सिखाना चाहते, कहना चाहते, उस और हम देखते प्रभु। हमसे बात करो, जुड़े और भाई बहनों को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनो, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हमारा सियोन दिन कहेंगे, उसके बारे में हम आज प्रभु के वचन से सुनेंगे, देखेंगे। सियोन जो शब्द है वो पहाड़ की घाटिया, जो पहाड़ों की घाटिया थी, वो जगह को सियोन नाम दिया गया। सियोन कोई आदमी का नाम नहीं है, औरत का नाम नहीं है, जगह का भी नाम नहीं है। सियोन का अर्थ ही होता है, जैसे मान लो गल्ले के पास से मुड़ जाना, ऐसे बोले ना किसी को कि भाई ये गल्ला है ना, या फिर ये जगह है ना, ये झाड़ है ना, झाड़ से मुड़ जाओगे ना, तो वो जो जगह होती है जहां से लोगों को दिखाई देते हैं, रास्ता दिखाई देता दिया जाता है कि भाई कहां है यरूशलेम। बोले देखो यरूशलेम ना, आप जाओगे तो पहाड़ी पहाड़ी एरिया आएगा, पूरा पहाड़ पहाड़ आएगा, पूरा गोल पहाड़ आएगा, एकदम लाइन में सारा पहाड़ आएगा, समझ लो वहीं पे वही जगह है यरूशलेम। तो वो जगह को, कोई भी जगह को दिखाने के लिए जो जो घाटिया थी उसके लिए ये नाम रखा है सियोन। सियोन का अर्थ होता है वो जगह जहां से, वो पहाड़ों की जगह, उसका नाम ऐसा रखा गया कि जहां से आपको पता चले ये आ गया हमारा इलाका। तो वो जगह का, जगह दिखाने के लिए वो वर्ड है सियोन। और ये जो दूसरा समूएल 5 और 7 यदि पढ़े तो दाऊद ने जो जीता वहां पे, वो जगह पूरी इलाका, पूरा क्या कहेंगे पहाड़ियों का घाटी, वो जगह को दाऊद ने अपना दाऊद नगर बनाया। क्या लिखा है? तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया। पूरा जो घर था, पूरा चट्टान चट्टान चट्टान, वहां पे वो घर को ले लिया। वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उसको दाऊदपुर, दाऊदपुर, यहाँ पे कहीं सारे पूर तो आते, देखे पूर आपने, मुक्तिपुर, कैरीपुर, सैफड़पुर, बाटलीपुर, चलो जल्दी, कैरीपुर, रानीपुर, बहुत अच्छा। तो वो एरिया को दाऊदपुर, दाऊदपुरा, दाऊदपुरा नहीं, दाऊदपुर, दाऊदपुरा सर। तो वो जगह को, पूरी जगह को, सिटी पूरा जगह को उसने बोला ये दाऊद नगर, इतना मेरा इलाका है। अगर दूर से भी देख लिया, ये पहाड़ देख लिया, तो ये जगह जो है ना सियोन आ गया, समझ लो वो मेरी जगह है दाऊद नगर। किस शास्त्र भजन संहिता 147:47-12 पद में लिखा है, हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन, तू सियोन है, तो यरूशलेम का दूसरा नाम, वो नगर है उसका नाम सियोन भी रखा है आगे, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। तो जो सियोन जगह थी, यरूशलेम कहा गया, उसको दाऊद नगर भी कहा गया, और देखते वो जगह को और एक नाम दिया गया, जकारिया 8:3। यहोवा यूं कहता है, यहोवा क्या कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ, देखो मैं फिर से सियोन में आ गया हूँ, और यरूशलेम के बीच में वास किए हुए रहूंगा, और मैं वहाँ पे रहूंगा, मेरा इलाका वो रहेगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर, और वो नगर को मैं अपना बना लूंगा, और वो सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। तो वो पर्वत पवित्र पर्वत जहाँ पे परमेश्वर खुद रहेगा, इसीलिए वो जगह जगह के नाम कहा गया सच्चाई। क्या है? मैं सियोन में लौट आया हूँ। कौन सा है नगर? सच्चाई नगर। क्या लिखा है? नगर, हाँ, यरूशलेम सच्चाई का नगर, सच्चाई का नगर, सच्चाई का नगर भी नाम, वो सियोन जगह को कहा गया। कहाँ पे सच्चाई के नगर?
बोले वो जो सियोन है ना, यानी वो जो पूरा पहाड़ी एरिया है ना, वो जगह, यानी वो जगह को जो जहां पे जहां से पता चले कि कहां से नगर शुरू होता है और कहां पे नगर है। तो सियोन वो पर्वत का नाम नहीं है, लेकिन वो जो जगह इलाका था उसके दिखाने के लिए वो था, ये साइन पोस्ट कहो कि यहां से आपको मुड़ना है, ये जगह है दाऊद नगर, दाऊदपुर, या फिर सच्चाई की नगरी, ये भी कहा गया था। सियोन का ये ऐसे नाम रखा गया था। पहला राजा 8:1 में यदि पढ़े, सुलेमान ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, बड़े बड़े जो राजा थे या सरदार थे, सारे कुलों में से सबको, घर में से जो थे सबको बुलाया, और तब सुलेमान ने इसराइली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इसराइलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। तो ये जो जगह है वहीं पे सियोन, कौन कौन सा, यरूशलेम, बोले सियोन वाला, तो वहां पे लेके आए। तो दाऊद के बाद सुलेमान वो जो संदूक था वो वहां पे लेके आया। यशाया 52 में पढ़े तो लिखा है कि सियोन या फिर यरूशलेम, तुझे जो परेशान किया गया है लोगों ने, तुझे बंदी गृह में लेके गए लोग, अभी मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे रोना नहीं है। 2 में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, तू उठ खड़ी हो जा, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। तो ये जो इलाका था वहां पे परमेश्वर हर वक्त, ये हम यदि पढ़े बाइबल में तो प्रभु ने सियोन के लोगों, जहां पे उसकी नजर है वो पूरा इलाका, वो जगह के लोगों को छुड़ाने के लिए बोला कि उठ खड़े हो जाओ, मैं आने वाला हूं। और वहां पे सियोन पे आज भी परमेश्वर की नजर है ही, वहीं पे है। भजन संहिता 14:7 पढ़े, भला हो कि इसराइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। तो इसराइल खुश होगा जब सियोन से परमेश्वर लोगों को छुड़ाएगा, तो वहां से कोई पैदा हो जाए। हमारी जो सच्चाई नगरी है, जो दाऊदपुर है, वो इलाके से कोई खड़ा हो जाए, हमारे यहां से कोई बच्चा पैदा हो, ऐसा बच्चा पैदा हो, मूसा के जैसा बच्चा पैदा हो, सामसून के जैसा बच्चा पैदा हो, कि कोई लड़े। तो ये यहां पे ऐसा लिखा है कि कोई उद्धार करने वाला खड़ा हो जाए। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे घर में से कोई ऐसा खड़ा कर दो कि हमारे पूरे परिवार को बदल दे, आमीन। तो यहां पे लोग कहते हैं प्रभु उद्धार यहां सियोन से आ जाए, हम जो बेबस हो गए, हमें गुलामी में लेके गए, छुड़ाने वाला कोई आ जाए, ऐसा हो जाए। और पता है जो दानियल था उसने लोगों को छुड़ाया भी, दानियल को ऐसी जगह पे ठहराया गया राजा के साथ में। यूसुफ का भी हमें पता है कि वो जब मिस्र में गया उसको भी बड़ी पदवी मिल गई, प्रभु ने वहां से भी लोगों को खड़ा किया था। भजन संहिता 53:6 यदि पढ़े, भला होता कि इसराइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। प्रेज लॉर्ड, हमें खुशी मिलती है जब हमारे बंधन टूटते हैं, कोई उद्धार करता आ जाए, हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। प्रेज गॉड। तो ये जो उद्धार करता यदि तुम्हारे घर में भी आते तो समझ लो वो सियोन से निकले हुए, सच्ची नगरी से निकले हुए। सियोन के बारे में मैं थोड़ा ही कहूंगा फिर समाप्त करूंगा, ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं। ये जो नगर है यशाया यदि 52:7 पढ़े, तो वो सुंदर जो पर्वत है उससे घिरा हुआ ये जगह है, इलाका है। 52:7 क्या लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है
और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमेन। सियोन से ही उद्धार निकलता है, जो प्रभु में जुड़े जाते हैं वो पवित्र नगर में उनको उनका हक या भागीदार हो जाते हैं। हम भी मसीह में जब आए तो हमें वो सच्ची नगरी में हमें दाखिल किया गया और वहां से हमें तैयार करके प्रभु दूसरी जगह पे भेजता है कि लोग फिर कहते हाँ सियोन में ही परमेश्वर राज करता है। आमेन। तो जो सच्ची नगरी है वो इलाके में से प्रभु राज करता है, वहां पे से संदेश दूसरी जगह पे जाते हैं। और कई लोग वो मसीही लोगों के संग में या सियोन के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये गीत शास्त्र भजन संहिता 125 एक में लिखा है, जो सियोन पढ़ो, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, आमेन, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु पे भरोसा करने वाला वो सियोन के समान, चट्टान के समान है जो टलता नहीं है, सदा रहता है। आमेन। हमारे जीवन में दुख है तो हमें सियोन की तरह दिखना है, जहां से प्रभु कोई बंदे को भेजे उद्धार करने के लिए। यह सियोन जो जगह है उसके बारे में थोड़ी बात कहूंगा मैं। और योएल 2:1 में लिखा है, जो अंतिम दिन आएंगे तभी सियोन से ही सारी बात शुरू होगी, वहां पे नरसिंगे फूके जाएंगे सियोन में, वो पवित्र पर्वत भी कहलाता है, और वहां से पूरी दुनिया में सुसमाचार भी जाएगा, वहीं से सारी तकलीफ या लोगों को चेतावनी वो भी वहीं से आएगा। 2:1 में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। तो यदि तुम्हें यहोवा का दिन आए ऐसा सुनना है तो इंडिया से नहीं सुनना है, ये सियोन से ही आएगा, वहीं से लोग आएंगे, वो जो कहते हैं वो सच्चाई है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये सियोन यानी ये जो है जगह वो यहां धरती पे है, उसकी ही बात की गई है। योएल 2:23, आनंदित हो सियोन के बच्चों, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तो जो बरसात शुरू होगा वो भी सियोन से ही होगा, आशीष सियोन से शुरू होगी। यदि हमारे घर में कुछ नहीं है तो समझ लो सियोन में कुछ नहीं है, इसलिए आया नहीं। यदि सियोन में आया तो वहां से हमारे घर पे भी आएगा, वहीं से सारी बात शुरू भी होती है। परमेश्वर सियोन के लिए लड़ता है, हम अगर सियोन में है तो हमारे लिए प्रभु लड़ेगा। भजन संहिता 110:2 पद पढ़े, 110:2, उसका राजदंड सियोन से निकलेगा और जो शत्रु है उसको मिटाएगा। क्या लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तो सियोन से बढ़ाएगा उसका राज, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, और परमेश्वर वहां पे राज करेगा। और पढ़ते यशायाह 2:3, सारे लोगों को सियोन में ही इकट्ठा होना है ऐसा लिखा है, आओ सब, बहुत से देशों के लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। तो ये जो राज है वो भी सियोन से, लोगों को बुलाया भी गया है सियोन में कि वहां से प्रभु का राज, प्रभु का नियम जाएगा। और आगे कुछ लिखा, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था यानी प्रभु जो चाहता है तुम्हें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे करना है काम, वो भी सियोन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो वो सियोन से ही निकलेगा और वचन भी यरूशलेम से जाएगा, इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों को कहा यरूशलेम छोड़ के मत जाना,
आपको यरूशलेम, फिर यहूदिया, समरून और पृथ्वी की छोर तक आपको मेरा सुसमाचार देना है। शुरुआत यरूशलेम से हुई, सच्चाई वहां से शुरू हुई और पूरे दुनिया में प्रभु का प्रचार हुआ। मीका 4:2 पढ़ो। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा की पर्वत पर चढ़कर, हम क्यों पर्वत पे जाए, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। जब हम जाएंगे तो अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आज भी कई लोगों ने अपना चर्च का नाम सियोन, पेंटिकोस्टल चर्च, सियोन, जायन ऐसे सब रख दिए है कि हमारे यहाँ से वचन जाएगा। वो पास्टर तो बोले, फोन करेगा तो बोले सो गया है पास्टर, बोले अच्छा सो गया है। ऐसा भी होता है, सियोन वाले पास्टर सो जाते, तो वो तो होता है। पर जो सियोन है वो ये जगह है, यहाँ पे उसकी बात की गई है, वहीं से प्रभु की नजरे है, वो पहाड़ी इलाका जो है वहां पे। ओबादिया पढ़े 1:21 अभी एक ही पन्ना है। उद्धार करने वाला एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। लड़ने आएंगे पर राज्य तो यहोवा का ही होगा। यूएल 2:32 परमेश्वर के जो सेवक है वो भी सियोन से ही निकलते हैं। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और तो ये जो समय है वो अंतिम समय की बात की गई है, और जब इज़राइल आज नहीं मानता है, वो चाहता है कि हमें कोई बड़ा पंजाब वाला पास्टर आके हमें सुसमाचार सुनाए, हम नहीं मानेंगे। कहीं से भी लोगों अफ्रीका से लेके आओ तो भी बोले इज़राइल बोलेगा हमें नहीं मानना है। इज़राइल मानेगा ही नहीं, चाहे कहीं से भी तुम नबियों को लेके आओ, मक्का से लेके आओ, मदीना से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, इज़राइल नहीं मानेगा, नहीं झुकेगा। वो सिर्फ क्या लिखा है 32 उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह समय यहोवा से जो प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार क्या है वचन अनुसार क्या है सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आमेन। तो वहां से ही बुलाएगा कि उसको बुलाना है, उसको बुलाएं। सियोन से ही आवाज आती है, सियोन में ही इकट्ठा होना है, सियोन में ही आराधना, सियोन से ही आशीष। भजन संहिता 128:5 पढ़े। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे। यहोवा तुझे कहां से आशीष देगा? सियोन से आशीष देगा। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। और तू देखता रहेगा इज़राइल का कुशल। और वरन तू अपने नाती पोतों को तू यरूशलेम में सारी अच्छी बात जो देखेगा वो सियोन से ही होती रहेगी। और जो परमेश्वर आसमान में रहता है वो भी सियोन में ही आने वाला है। ज़कारिया 9:2 पढ़े। 9:9 ओके ऊपर से पढ़े तो थोड़ा पढ़ो। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। कहाँ से आ रहा है? तो आसमान से आ रहा है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ? वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तुझे दिखाई देगा वैसा। फिर तो ये जो परमेश्वर यीशु मसीह जब आता है धरती पे, वो बताया गया कि देख सियोन तेरा राजा, तू पहचान ले ये तेरा राजा है। उसको जो आएगा वो बच्चे पे आएगा, गधे के बच्चे पे सवार होके आएगा, उसको पहचान लेना। तो सियोन से ये यहाँ पे इनको उसका राजा आसमान से आता है सियोन में। भजन संहिता 2:6 मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ राजा है उसको अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। वो जगह पे मैंने बैठा दिया है। भजन संहिता 48:2 सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी वो तो राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। आमेन। तो वहां से वो सियोन की ओर देखता है, वहीं पे उसको राज भी करना है। यशाया
59:20 पद लिखा है, उद्धार करता जो है वो भी सियोन से ही आएंगे और याकूब की जो अधर्मता है उसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, कि कोई भी लोग सियोन को श्राप नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 129:5 जो सियोन को श्राप देता है, गुस्सा करता है, नफरत करता है, क्या लिखा है, जितने सियोन से बैर रखते हैं, जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे, वो सारे जो आशा रखे, इसका तो ये हो जाएगा, उसका तो वो हो जाएगा, हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा, और उनकी आशा टूट जाएगी और उनको पीछे हटना पड़े और वो पीछे हट जाएंगे, तो सियोन को कोई श्राप नहीं देख सकता। आज भी लोग बोलते हमारा चर्च का नाम सियोन है, अबे तुम्हारा खत्म हो जाएगा, शुरू कभी हुआ, तो शुरू कब हुआ, वो तो अभी लोगों का 1800 में कुछ चालू हुआ। ये जो बाइबल का जो सियोन है वो तो बहुत पुराना है, उसकी विषय में लिखा है, दाऊद ने वो समय में लिखा जब आमसो हॉन्ग भी नहीं था, वो लिख दिया, उनका जो सियोन है उसके बारे में लिख दिया कि उसके विरुद्ध में जो जाएगा उसको लज्जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और पढ़ते हम यशाया, माफ करो, भजन संहिता 132:13 निश्चय यहोवा ने सियोन को चुना है, सियोन को चुना है, हम हमारे यहाँ बाहर रख देंगे, लिख देंगे, हमारा घर का नाम है सियोन, ऐसा मत समझो, और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, उसने वो जगह जो है, जो सियोन, फिर से कहूंगा, वो जो इलाका है जहाँ पे सारी चट्टान चट्टान है, सब पहाड़ पहाड़ पहाड़ी एरिया है, पूरे पूरे जो इज़राइल है उसमें एक ही जगह है जहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया है, तो वो एक जगह है जिसे पता चले भाई इज़राइल में कहाँ से है, देख लो पहाड़, वही तो जगह है, वहीं पे बाजू में वो ये नगर है, इसमें ये नगर है, तो ये परमेश्वर ने चुना है, क्या किस क्यों चुना है। 13 निश्चय यहोवा ने सियोन को चुना है, क्यों चुना है, और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, निवास के लिए चुना और चाहा है, प्रेज लॉर्ड, क्यों चुना है, आगे हम पढ़ते भजन संहिता, यदि माफ करो, यूहन्ना 4:20 यीशु मसीह जब धरती पे थे तब एक औरत आई और उसने उससे, प्रभु ने उससे पानी भी मांगा, वो बात हमें पता है सामारिया की औरत की, और यीशु को इस औरत ने कहा, ओ यहूदी प्रभु, आप तो पहाड़ों पे भजन करते हो, क्या लिखा है, हमारे बाप दादो ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास, हे नारी मेरी बात सुन, बात का विश्वास कर कि वह समय आता है, क्या समय, कैसा समय, कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में, तो आप आराधना नहीं कर पाओगे, ऐसी ऐसा समय आएगा, लेकिन ये परमेश्वर ने जो जगह चुनी है, जकारिया 2:10 पढ़ते, वो इसीलिए चुनी है कि लोग वहां पे आके आराधना करे, जकारिया 2:10 हे सियोन की बेटी, हाँ, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, मैं आके सियोन तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, हाँ, तो वहां पे सारे लोग आने वाले हैं और झुकने वाले, भजन करने का जो जगह है वो वही जगह है। प्रकाशित वाक्य 14:1 में लिखा है, यीशु मसीह जब उतरेगा वो सियोन पर्वत पे उतरेगा, तुम्हारे घर में नहीं उतरेगा, मान लो घर का नाम लिख दिया कोई बात नहीं सियोन, पर वो कहां उतरने वाला है, तो वो पहाड़ पे उतरने वाला है, जो घाटी है वहां पे, क्या लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और हाँ? देखो वह मेमना सियोन पहाड़ वो पर खड़ा मेमना है। सियोन पहाड़ पे खड़ा है, वो पहाड़ी एरिया पे खड़ा है, और उसके साथ एक वो अकेला नहीं है, उसके साथ 144,000 जन, 144,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। वो लोग किसके हैं? तो बोले यीशु के हैं, पिता के हैं, नाम लिखा हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने चुन रखी वो जगह, और वही जगह जो है पहाड़ी एरिया, वही जगह से सुसमाचार भी जाएगा अंतिम दिनों में, और वहीं पे बरसात पहले होगी, यानी परमेश्वर का राज्य की स्थापना होगी, पवित्र आत्मा भी वहीं पे उतरेगा, और यीशु मसीह के बारे में भी यही है कि वो वहीं पे आके रुकेगा और वहां से अपना राज्य करेगा। प्रेज गॉड।
तो दाऊद नगर का अर्थ होता है बिलव्ड या बहुत अजीज या प्यारा। प्रेज गॉड, दाऊद का अर्थ होता है प्यारा, तो प्यारा नगर कहे इसको, दाऊद नगर कहे उसको। सच्चाई सच्ची नगरी भी कहा जाता है, पवित्र पर्वत भी कहा जाता है, और परमेश्वर ने धरती पे वो ही जगह चुनी है, पूरा इलाका चुना है जो पहाड़ी है, जिसके विषय में लिखा है कि मजबूत चट्टान है, जो जैसे जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत समान है जो कभी टूटता नहीं है। प्रेज गॉड, तो वो बड़ी जगह परमेश्वर ने चुन के रखी है। तो हम कभी चर्च को नहीं बोले, ये चर्च है सियोन, अच्छी बात है, पर वो जगह है जहां पे यीशु मसीह उतरेगा। प्रेज गॉड, प्रभु आप हर एक को आशीष दे, समझ दे, आओ प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, धन्यवाद प्रभु। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद ये जो बातें आपके वचन से हमने सुनी है ये बोई जाए, ये साफ समझे हर एक। प्रभु आशीषित हो, जो जगह आपने चुन के रखी है वो पहाड़ी एरिया जगह जो आपने चुना है, जहां पे यरूशलेम नगरी बनाई, जहां जगह पे दाऊद ने अपना शहर बनाया, जो जगह पे हाँ प्रभु लोग भजन करने के लिए आए, और वहां से आपका सच्चाई न्याय आपकी बातें सुनाई जाए, ये इसलिए आपने चुना प्रभु वो जगह के बारे में जो बाइबल में लिखा है, और सच्चाई हमें बताओ प्रभु, हम आपके वचन हर और जानना और ज्यादा सीखना चाहते हैं। सहाय करो हर एक को प्रभु, अनुग्रह दो। फिर से धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, इकट्ठा किया, और प्रभु हमें सच्चाई से भरो, ये प्रार्थना है पिता, सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से की प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, जब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराध को क्षमा कर किया है ऐसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें पैसे में आने न दे, पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। हाँ पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ रहे, और जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के साथ रहे, आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। प्रेज गॉड।